हारेगा कोविड जीतेगा हरियाणा, पर दो गज की दूरी का पाठ ना भूल जाना। मेरे प्रिय हरियाणा वासियों, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। हरियाणा का जन जन सुरक्षित रहे, इसके लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सभी नियमों का पालन करें। आपकी जागरूकता ही देगी कोरोना को मात। वैक्सीन और आपकी जागरूकता से ही कोरोना की चैन टूटेगी। हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। जय हिंद, जय हरियाणा। मास्क, सैनिटाइजर और दूरी अब है और भी जरूरी। सूचना जनसंपर्क हरियाणा एवं हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी। 16 में कोरोना काल में दवाओं की कालाबाजारी करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। जहां 16 में निजी अस्पताल में काम करने वाले शख्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजा जा रहा था, वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची CIA 1 टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर आरोपी से 2 इंजेक्शन बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं 16 पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। आरोपी अनिल को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं अनिल के साथ एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम अमन बताया गया। ये दोनों युवक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 28,000 रुपये में बेचने की फिराक में थे, जिस इंजेक्शन की वास्तविक कीमत 4,000 रुपये बताई गई है। कल हमें सूचना मिली थी कि सोनीपत में रेमडेसिविर इंजेक्शन है, कालाबाजार की जा रही है। इस पर एक टीम गठित की गई, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट हुए ड्रग इंस्पेक्टर भी थे। और इस सूचना पर हमने काम करते हुए आरोपी अनिल को 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ प्राप्त किया है, और दोनों इकट्ठे में दौरान इस संदर्भ में दोनों दर्ज कर लिया उन्होंने, और आरोपी की टीम ने भी कुछ मार दिया गया। इसके साथ जिस व्यक्ति ने इसको सप्लाई की थी, अमन नाम का लड़का है, ये लाल रहने वाला है, इसको मैंने कॉल किया। सर, जो युवक है ये कहाँ रहने वाला है? ये पिनाना गांव का रहने वाला है, अनिल जो है पिनाना गांव का। सर, किस रेट में बेची जा रही थी ये? करीब 28,000 रुपये प्रति इंजेक्शन वाला रहा है, जबकि इसकी सरकारी कीमत करीब करीब 4,000 रुपये के आसपास होती है। जो कुछ पेमेंट भी पकड़ी गई इसके साथ? हाँ बिल्कुल, एक फ्लैट लगाया गया था, इसमें जो सरकारी कीमत से ज़्यादा पैसे जो लिए थे, उस प्लेट में से वो राशि बरामद हुई थी। ये गुप्त सूचना के आधार पर था या सर फिर कंप्लेंट? सूचना प्राप्त हुई थी। कहाँ से गिरफ्तार किया गया इसको? इसको सिविल हॉस्पिटल में सोनीपत के बैक साइड से गिरफ्तार किया।